बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8। और इस सीरीज में हम करने वाले हैं बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसमें से सीखें और दूसरों को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि मेंटल मैथ आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलूँ तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर नंबर 13 है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हम इसमें सीखने वाले हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए एक्स एंड वाई आर वेरी डायरेक्टली, ठीक है, ये वेरी डायरेक्टली है। इफ़ एक्स 120 वाई 18 और एक्स 25 देन वाई 2 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर सीधा दिया है डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या होता है कि दोनों जो हमारी ये क्वांटिटी होती हैं एक्स और वाई, या तो ये इंक्रीज होंगी टुगेदर या डिक्रीज होंगी टुगेदर, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको करने से पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाना चाहूँगा जिससे बड़ा इजी हो जाएगा ये आप सभी बच्चों के लिए करना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये एक्स और ये वाई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों लिखा है एक्स की वैल्यू 20 है और साथ ही वाई की वैल्यू गिवन है 8, और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 5, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है तो ये हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर अगर आप चाहे तो इसको m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पर रेशो और यहाँ पर जो x वाली क्वांटिटी है इसका रेशो हमें लिखना है पहले, फिर हमें y का रेशो लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना, क्योंकि डायरेक्टली है, यहाँ पर जो लिखा है ना वो भी मैं लिख देता हूँ, x एंड y वेरी डायरेक्टली, तो वेरी डायरेक्टली है। तो हम ठीक है यहाँ पर हम रेशो लिखते हैं, एक्स वाले लिखते हैं 20:5 और इक्वल का साइन, फिर 8:n, ठीक है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरीके से 20/5 और यहाँ पर 8/n। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो 20n आ गया और यहाँ पर आ गया 8/5 इस तरीके से। अब n की वैल्यू निकाल लीजिए 8/5 और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में हो गया, 5 से डिवाइड कर देते, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 से इसको कर दे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो n की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ पर 2। तो जो हमारा ये y निकालना था, इसमें पूछा था कि y 2 किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 2 के इक्वल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये आंसर आ गया। आपको एक बार फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ था डायरेक्टली। डायरेक्टली देखो यहाँ पर बोथ साइड यानी एक्स वाई दोनों या तो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, ठीक है बच्चों। उसी कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और उसको करने का नियम यही है। चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, देखो जैसे मल्टीपल्स ऑफ इंटरनल टर्म, यह पर इंटरनल हैं और ये एक्सटर्नल हैं, ठीक है, इस तरीके से भी। जैसे मल्टीपल्स ऑफ एक्सटर्नल टर्म यानी आपको 20 को n से करना है यहाँ पर इस तरीके से, और इंटरनल को अलग करना मल्टीपल इस तरीके से, तो फिर वही कंडीशन आ जाती है बच्चों। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सेम वही आ जाता है और इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।